हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कर्मा रीडिंग। ठीक है, तो आज मैं कर्मा रीडिंग करने वाली हूँ। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जहाँ पे आप लोग वेट कर रहे हो कि किसी ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, इनजस्टिस किया है आपके साथ में, आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया है। तो हम देखने वाले हैं व्यूअर्स कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो यूनिवर्स पर फेथ लेके चल रहे हो कि डिवाइन अगर है, क्योंकि हमें यही फेथ होता है कि डिवाइन है और वो हर अच्छे और बुरे का कर्मा देते हैं। ठीक है, जो इंसान जैसे काम करता है उसको उसी के हिसाब से कर्मा मिलता है। तो अगर किसी ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया है और आपको उसका जस्टिस देखना है अपनी लाइफ के अंदर कि उसको क्या कर्मा मिलेगा, तो इस रीडिंग में आपको जानने को मिलेगा। व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी के लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। जिस भी पर्सन ने आपके साथ में ये गलत किया है, वो एक या अनेक कितने भी लोग हो सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज की हो, देखा जा सकता है। ठीक है, तो रीडिंग व्यूअर्स मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये रीडिंग कर्मा पे होने वाली है। तो अगर आपके साथ में किसी ने गलत किया है तो ही आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज इस रीडिंग को ना देखें। और वन मोर थिंग व्यूअर्स, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में आके ये बोलते हो कि आप उसे माफ़ कर दे रहे हो, ये कर दे रहे हो, ठीक है, आपकी इनर फीलिंग है, आप करते हो। अगर आपके मन में किसी को लेके ऐसी भावना नहीं है तो आप इस रीडिंग को मत देखो। ठीक है, कि फिर इस तरह के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोग कर्मा देखने वाले हैं, कर्मा क्या मिल रहा है, तो वो चीज़ें समवेयर हर्ट कर सकती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति दया भावना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। क्योंकि आप किसी को अगर माफ़ कर चुके हो तो मत देखो उसके लिए, क्योंकि कर्मा तो लिखा जा चुका है, उसको कोई बदला नहीं जा सकता। हाँ, माफ़ करने से कोई ना कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अगर किसी को किसी के साथ में गलत किया है तो आप सिर्फ एक माफ़ी आपको उस कर्मा से बचा लेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, कुछ हद तक इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अगर आपके साथ में किसी ने गलत किया है तो क्या गलत किया है, कुछ उसको जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा देखेंगे डिवाइन उसके बदले उस पर्सन के साथ में क्या कुछ करने वाली है। ठीक है, उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको उस पर्सन के बारे में सोचना है। और गाइस देखो, वन मोर थिंग, कर्मा जो होता है ना, वो यही दुनिया हमने देखी है, हमें क्या पता है इस दुनिया के बाद में क्या होता है। कोई मरने के बाद में ये बता पाया है कि वो दुनिया कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, कोई जानता है नहीं जानता। तो सारे कर्मा, अच्छे या बुरे, वो इसी लोक में कटते हैं, इसी लोक में। यही लोक होता है जो आपको कर्मों का फल देने के लिए दिया जाता है। तो सब कुछ, जो भी कुछ घटेगा वो इसी जन्म में घटेगा। ठीक है, तो ये लोक, पृथ्वी लोक, एक कर्मा का लोक है जहाँ पे कर्मा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी जीवन के अंदर आपके पर्सन को, उस इंसान को या उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, आपके साथ में क्या कुछ हुआ है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव अ पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है। बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए ये देख पा रही हूँ कि ये जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सबसे पहले आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार कहीं ना कहीं आपने किया है, यानी आप इनके लिए जिए हो, इनके लिए आपने हर एक खुशी को सेक्रीफाइस किया है, हर एक खुशी को इनके साथ में कनेक्ट किया है। आपने इनके बिना लाइफ अपनी नहीं देखी है। आप मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, और मे बी समवेयर ये भी पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है इसको आपने अपना सब कुछ दे दिया। मतलब कहते हैं ना, हम जिसको कहते हैं तन मन धन, आज से सब तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए जी रही हूँ या तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी नाम कर देना, जैसे कहते हैं ना, सांसें तक किसी के नाम लिख देना, तो वो इस रिलेशनशिप में हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है ये,
सच्चा प्यार रहा है इस कनेक्शन के अंदर, लॉयल्टी भी बहुत रही है। और देखा जाए विवर्स, ये लेकिन ये प्यार कहीं ना कहीं यहाँ पे अधूरा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे विवर्स देख पा रही हूँ इस पर्सन के साथ में आपकी जो एक जर्नी है वो ये दिखाती है कि जो प्यार आपका था वो प्यार आपका लॉस हो गया। यानी कि एक तरह से हो सकता है कि आप लोग एक फैमिली से कनेक्ट करते हो, मे बी एक फैमिली हो आपकी, और उस फैमिली में ही आपने सब कुछ खो दिया हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, मतलब आपने इस पर्सन के लिए हो सकता है व्यूअर्स बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हों, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हों, एक नहीं अनेकों। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शन में एक चीज़ ऐसी आई है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका हो सकता था वो आपका नहीं हुआ, जो आपको मिल सकता था वो आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिसीजन नहीं लिए गए, यहाँ पर राइट डिसीजन नहीं लिए गए। यहाँ पर जब डिसीजन लेने की बात आई है, जब रिश्ता निभाने की बात आई, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ गया, यानी कि प्रॉफिटेबल, मेरा क्या फ़ायदा है, जहाँ मुझे फ़ायदा मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी, सोचा गया, मनी माइंडेड हुआ गया। व्यूअर्स पहले हज़ार वादे किए गए, हज़ार मतलब इतना फील कराया गया कि बस मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा ही रहूँगा, या मैं तुम्हारी हूँ, मैं तो तुम्हारी ही रहूँगी। ठीक है, जितना भी किया गया, जैसे कहते ना हर एक कोई इंसान किसी के लिए अगर करता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ में ही करता है। कोई रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जहाँ पर आप बिना किसी भावना के किसी के लिए निस्वार्थ करते चले जाओ। एक्सपेक्टेशन रहती है, अगर मैं इसको इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये बदले में मुझे प्यार देगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसके बदले इसको मुझे ये मुझे एक बैकअप सपोर्ट देगा। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्ट की जाती है, बैकअप सपोर्ट है, एक रिश्ता है, एक घर है, परिवार है, एक समाज में एक इज्जत है, मान है, सम्मान है, एक नाम है, एक दायरा है जो मेरा है, जो हक है, जो मेरा है, वो इस पर्सन ने आपको नहीं दिया है। आपने व्यूअर्स जितना भी किया, सारा का सारा आपका सब कुछ बर्बाद हुआ है, पानी की तरह बह गया है। वो कहते ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बिल्कुल आपके साथ में ऐसा ही हुआ है, हम वफा करके भी तनहा रह गए। तो वो आपके साथ में यहाँ पे हुआ है कि आपने इस पर्सन के लिए जितनी भी वफा की हो वो वफा यहाँ पे किसी काम नहीं आई। उस पर्सन ने माइंड अपना यूज़ किया और पैसे को अपना देवता चुन लिया, उसने पैसे से प्यार किया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही हुआ है, इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी ऐसे पर्सन को चुन लिया, या ऐसे रिश्ते को चुन लिया, या ऐसी दुनिया में ये पर्सन चला गया जहाँ पर इसके लिए सब कुछ प्यार था, और इसने आपके प्यार को इसलिए ठुकरा दिया व्यूअर्स क्योंकि इसको पैसा ही प्यारा था। ठीक है, इसको आप या तो इसके लिए स्टेटस के मतलब बराबर, मतलब जैसे कहते हैं ना इच्छाएं, हो सकता है आप लोग सेम स्टेटस से बिलोंग करते हो, आप भी मिडिल क्लास हो, वो भी मिडिल क्लास हो, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी कि मुझे एक हाई लाइफ जीनी है। ठीक है, मुझे एक हाई सोसाइटी वाली लाइफ जीनी है, मुझे ये घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे एक लग्जीरियस लाइफ जीनी है। तो इस पर्सन ने व्यूअर्स वही किया है, इसने आपकी तरफ से ऐसे आंखें फेर ली जैसे ये आपको जानता ही ना हो या जानती ही ना हो, और ये आपने फील किया है इस दुख को, तकलीफ़ को। आप रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, इसके पैर में भी पड़े हो, आप गिड़गिड़ाए भी हो, झुके भी हो, अपना मान सम्मान सब आपने दांव पे लगाया है, लेकिन इस पर्सन को व्यूअर्स आपकी कोई कदर नहीं हुई, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मैं किसी पे भी, क्योंकि दोनों एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, आपके साथ में करने वाले लोग ही ऐसे हैं कि जिसने प्यार को तो बस ताला लगा दिया, भूल गया वो पर्सन कि प्यार क्या था, कितना आपने उस पर्सन के लिए किया, सालों साल किया है, लेकिन एक कमिटमेंट देना, एक रिश्ता देना, एक परिवार देना, ये पर्सन व्यूअर्स आपको भूल गया। ठीक है, तो जो आपका हक था व्यूअर्स वो नहीं मिला, और आप आज भी कहीं ना कहीं इस घुटन में हो कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कोई शुरुआत नज़र नहीं आती। अब आज भी रातों में रोते हो, आज भी आप उनकी यादों में तड़पते हो, उसको उसके लिए व्यूअर्स आपके दिल में अगर देखा जाए ना प्यार, आज भी ये चाहते हो आप कि ये लौट के आ जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली है, लेकिन आपको अभी पता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो किसी और का हो चुका है, वो किसी और की हो चुकी है, उसने किसी और को अपनी लाइफ में चुन लिया है, वो आपको अपनी लाइफ में अकेला छोड़ के किसी नए सफ़र पर जा चुका है, ये जा चुकी है, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। यानी कि उसकी
वो एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में गाइज नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज भी आप उनके पुराने थॉट में ही फंसे हुए नज़र आते हैं, जैसे कि कैद है आपके आसपास ख्यालों की, एक कैद है आपके आसपास उन जज्बातों की जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप उसको ना तो भुला पा रहे हो। और ऐसा नहीं है आपके दिल में उसके लिए आक्रोश नहीं है, आक्रोश बहुत है, आप उसके मन में आक्रोश लेके चल रहे हो, क्योंकि आज आपकी भी एनर्जी गाइज यही नज़र आती है कि आज आप भी कहीं ना कहीं अब प्यार पे आपका विश्वास नहीं रहा है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप भी आपका भी मतलब कहते हैं ना आपके एक्सपीरियंसेस ने भी आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। अब आपके लिए भी प्यार सिर्फ एक दिखावा या खिलौना है जिसका लोग फॉर ए टाइमिंग यूज़ करते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी की भावनाओं के साथ में खेलते हैं, हर्ट करते हैं, मज़ा करते हैं, मस्ती करते, जब उनका मन भर जाता है तो उसको छोड़ के रोता बिलकता चले जाते हैं। आपकी ऐसी ही इंटेंशन कहीं ना कहीं प्यार को लेके बन चुकी है, तो आपका भी भरोसा प्यार से व्यूवर्स कहीं ना कहीं उठ चुका है, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिलती है। और यहाँ पर जो भी लोग व्यूवर्स देख रहे हो ना, उसने किसी को प्यार तो बड़ी शिद्दत से किया है, बहुत ही टूट के चाहा है, सब कुछ किसी को माना है अपना, कहते हैं ना प्यार में सामने वाला आपका भगवान बन जाता है, तो आपने उसको भगवान की तरह उसका नाम जपा है दिन रात कहीं ना कहीं। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, आपका दर्द मैं अभी फील यहाँ पे कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें फील नहीं होता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं अब डिवाइन उसे क्या कर्मा देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं अब उस पर्सन को या उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने इनके साथ में ऐसा किया है, क्या कर्मा मिलेगा डिवाइन उन्हें, प्लीज़ गाइड। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है अवेयरनेस का, प्रोजेक्शन का, कंप्लीशन का एंड दी ऑर्डिनरीनेस। बॉटम से हमारे पास आता है लेटिंग गो एंड द बर्डन की एनर्जी है, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, एडवेंचर एंड टर्निंग इन भी है यहाँ पे हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं इनको क्या कर्मा मिलेगा आपके साथ में ये सब कुछ करने का। ओके व्यूअर्स, तो देखिए इस कर्मा में, ये जो कर्मा साइकिल है ये आपके पर्सन को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाएंगी जो इस पर्सन को एहसास दिलाएंगी कि इसने किसी के साथ में कितना कुछ गलत किया है, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने किसी के साथ में कितना गलत किया है, या उन लोगों को इस चीज़ पे भरोसा ही नहीं होता है कि कर्मा जैसी कोई चीज़ होती भी है, कि कर्मा मिलता भी है, ठीक है। मतलब लोग मस्ती में मस्त होते हैं, करते चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ में यस डेफिनेटली सबसे पहले होगा अवेयरनेस आ रही है एनर्जी यहाँ पे, जो कि ये दिखा रही है इस पर्सन को इन चीज़ों का एहसास होगा, आभास होगा कि इसके साथ में कर्मा कट रहे हैं। मतलब इसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना शुरू करेंगे जो कि बताएंगे इसे कि तुमने किसी के साथ में ऐसा किया है, इस वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जैसा इसने आपके साथ में किया है व्यूअर्स, सबसे पहले इसके साथ में वैसी ही घटनाएँ घटना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी जिस पर भी ये भरोसा करेंगे, जिस पर भी ये ट्रस्ट करेंगे, जिसको भी ये अपना मानेंगे, वो इनके साथ में छलावा ही करेगा या करेगी। तो इनका जिस तरह से इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जिस तरह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, जिस तरह से इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी फना की है, तबाह की है, आपको रोने पे तड़पने पे मजबूर किया, व्यूअर्स इस पर्सन के साथ में भी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर आने वाला है या आ चुका है। अगर इसने शादी करी है आपको छोड़ के, तो वो पर्सन इसकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर होगा। और कार्मिक पार्टनर का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हो, कार्मिक पार्टनर आपको लेसन देता है, आपको टीचिंग देता है, आपको सिखाता है, आपको वो काम करने पे मजबूर करता है जो आप नहीं करना चाहते,
या फिर आपको वो उतना हर्ट देता है, वो ही सब कुछ आपको लौटाता है जो आपने किसी के लिए किया हुआ होता है। कार्मिक पार्टनर इज ए टाइप ऑफ असाइन करा जाता है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर जो आपको बताए, जो आपको वो लेसन्स याद कराए, वो आपको सबक दे कि आपने अगर किसी के साथ में किया है तो उसका बदला ये है। ठीक है, तो कार्मिक पार्टनर अगर किसी की लाइफ में आता है तो आप समझ सकते हैं उसकी लाइफ कैसी होती है। आपका प्यार इस पर्सन ने ठुकराया ना व्यूवर्स, इसीलिए इसको एक ऐसा पार्टनर यहाँ पे मिल रहा है, एक ऐसे बर्डन के रूप में जिसको ये ज़िंदगी भर ढोएगा। यस, ये ढोएगा, ये पर्सन उसको उसमें अपनी हर एक खुशी को लूटता हुआ देखेगा। ये उस पर्सन का टॉर्चर अपने ऊपर बर्दाश्त करेगा, वो उस पर रूल करेगा, शासन करेगा, वो जैसा कहेगा आपका पर्सन वैसा करने पे मजबूर होगा। ये अपनी एक नहीं चला पाएंगे, अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे, उसके लिए ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, पर इनको रिटर्न में उसके बदले से ना तो प्यार मिलेगा और ये उसकी इशारों पे नाचते हुए ये पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यूवर्स आप जान लो कि जिसको आपने सर आँखों पर बिठाया था, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी का सरताज बनाया था, वो व्यूवर्स किसी का गुलाम बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुलाम भी ऐसा वैसा नहीं कि उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कार्मिक कनेक्शन कैसे होते हैं, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे देखना, आपको पता चलेगा। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन व्यूवर्स, कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको तिल तिल रुलाते हैं, आपको खून के आंसू रुलाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में तड़पते हो, रोते हो, बिलखते हो, पर रो नहीं पाते किसी के सामने। आपके पास में कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जहाँ पर आप किसी के सामने जाके अपना दुख भी कह सको, यानी वो दुख भी आप अपने अंदर समा के चलते हो, फटते हो अंदर ही अंदर। जैसे कहते हैं ना, एक गुबार होता है, एक मलाल होता है ज़िंदगी के अंदर जो आप किसी को कह भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद ही अपने लिए चूज़ किया हुआ होता है। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में ये पर्सन लेके आए जहाँ पर चॉइस इसकी हो और इसके साथ में फिर कोई खड़ा भी ना हो, यानी कि भुगतना भी इस पर्सन को अकेला ही पड़े। ना तो इसके साथ में इसकी फैमिली होगी, ना इसके साथ में इसके अपने होंगे, ना इसका दुख दर्द बांटने वाले इसके साथी दोस्त अपने लोग जो होंगे, कोई नहीं होगा। तब ये पर्सन को याद आएगा कि इसके साथ में क्या हो रहा है और उसकी वजह उसके पीछे की क्या है। ठीक है, इसकी बात का मान नहीं रखा जाएगा, इसका सम्मान नहीं होगा इस रिलेशनशिप के अंदर। आपने देखा होगा ना कई बार टीवी वगैरह में कि कोई किसी को किसी के सामने भी बेइज्जती कर देता है, चार लोगों के सामने बीच चौराहे पे चार बातें सुना देता है अपने पार्टनर को, बेइज्जती हो जाती है उसकी और वो सिर्फ बर्दाश्त करके रह जाता है। तो वैसी ही सिचुएशन इस पर्सन के साथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये कार्मिक लेसन होते हैं जो इंसान खुद अपने कर्मास से क्रिएट करते हैं, और जब तक ये पर्सन उन कर्मास को पूरा नहीं कर लेगा व्यूवर्स, ये इन चीज़ों को ढोता ही रहेगा, ढोता ही रहेगा। लेटिंग गो करना चाहेगा, निकलना चाहेगा अपने कर्मास से, लेकिन निकल नहीं पाएगा क्योंकि ये फेर तब तक चलता रहेगा जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता ये ऐसे ही इंसान घुटता रहेगा। और व्यूवर्स, हो सकता है कि अगर आपके सामने ही ये पर्सन रह रहा हो तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में होता हुआ भी देखो। एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जानना चाहते हो ना कि हमें कैसे पता उस पर्सन की लाइफ में कर्मास कैसे हो रहे हैं या उसको कर्मा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बेशक लोग दूसरों के सामने नहीं दिखाते हैं, आप उनके आस पड़ोस से पूछ लो, आस पड़ोस ही बताते हैं कि इस पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि पड़ोस जो होता है ना वो एक मुखबिर होता है, वो आपको सब चीज़ें बता देता है। तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हो कि कैसी चल रही है, कैसी कट रही है भाई अपने पार्टनर के साथ में। तो इस तरह से भी सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ये आपको लिए मैंने एक बताया है एग्जांपल। और दूसरा एस्पेक्ट व्यूवर्स, यहाँ पे इस पर्सन को ने आपके लिए क्या किया आपके साथ में, इस पर्सन ने आपके लिए मतलब आपको छोड़ के एक पैसे को चुना। ठीक है, पैसे के पीछे भागे हैं ये पर्सन कि हाई पैसा हाई पैसा, क्योंकि इनको ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी थी। ठीक है, इनको ही सिंपल सी लाइफ नहीं जीनी थी। और व्यूवर्स, इनकी लाइफ में होने क्या वाला है, इनको वही ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर होगा होना पड़ेगा। इनको सारे काम अपने हाथों से करने होंगे, इनके पास में कोई सपोर्ट नहीं होगी, इनके ऊपर बर्डन होगा सब दुनिया भर का, सब लोगों का काम करना है, सब लोगों के लिए करना है, अपने लिए कुछ ना कर पाना, वही सिंपल सी लाइफ जीना। ठीक है, तो इस तरह के अनुभव इस पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे मिलेंगे, छोटे छोटे पैसों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए व्यूवर्स इस पर्सन को थोड़े से में गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं अभी आपके लिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करती ताकि और हम इनमें डिटेल में जा सकें। ओके,
ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में ये जो कार्ड्स हैं वो और क्या बताते हैं, किन चीज़ों की कर्मास को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो व्यूअर्स, आप यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं कि इस पर्सन के लिए कार्मिक कनेक्शन आया है, डेविल एनर्जी आई है। तो व्यूअर्स, ये जो एनर्जी है ये आपको पता ही है कितनी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूसिव नेचर होना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और समवेयर अपनी हर एक इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाना, कुचलना, ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे होती हैं। मतलब आपको पता है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ें बर्दाश्त कर पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन है, लेकिन स्टिल क्योंकि आप उसमें एक टेम्प्टेड एनर्जी में रहते हो, एक मोह में एनर्जी में रहते हो, मोह माया, जैसे कि हो सकता है किसी तरह का कोई लालच हो सकता है या किसी तरह का कोई मोह हो सकता है, जिसको हम प्यार भी कहते हैं सम टाइम में, तब प्यार में, ट्रू लव में और मोह में एक डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही इस पर्सन के साथ में भी रहेगा, यानी ये पर्सन उसको छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मोह। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनको बांध के रखेगा, स्टक करके रखेगा। ये जितना निकलने की कोशिश करेंगे उस टॉर्चर से, उस मेंटल टॉर्चर से, उस फिजिकल टॉर्चर से, ये निकल नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, यहाँ पे यही इस पर्सन के साथ में है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गाइज हमारे पास आती है, एस ऑफ सोर्ड, जिसकी बात व्यूअर्स मैं आपको अभी कर रही थी कि इनको अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको अपनी लाइफ के अंदर दूसरों पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी, कम में गुजारा करना पड़ेगा व्यूअर्स। छोटे छोटे अमाउंट को कहीं ना कहीं, जैसे होता ना कि यार इधर का इधर कर लो, इधर का इधर कर लो, तो बस वह व्यूअर्स आप यही समझ लो कि इस पर्सन की लाइफ में सबसे पहले इसको छोटे से पैसे में, थोड़े से पैसे में इसको गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, कभी ये कर लो उसी पैसों में, कभी वो कर लो, तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि एक तरह से हमेशा अपनी लाइफ में ये एक बैलेंस तलाशते हुए नज़र आएंगे। इनकी लाइफ में कब वो टाइम आएगा, कब वो समय आएगा जब इनकी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ होगी, तो ये जो पाया है व्यूअर्स इस पर्सन ने उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। यानी जो पैसा इसको मिला है उसको ये संभाल भी नहीं पाएंगे और वो इनके हाथों से कहीं ना कहीं फिसल जाएगा। ठीक है, तो जो इनको लग रहा है आज इनकी जीत है वही इनकी हार का कहीं ना कहीं कारण बनेगी, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। तलवार की नोक पे व्यूअर्स इनका जीवन जाने वाला है, यानी इनकी लाइफ में व्यूअर्स एक समय ऐसा भी आएगा कि जब भी अपनी लाइफ में ये मुक्ति के लिए बात करेंगे तो इनकी वो बातें अधूरी ही रह जाएंगी, यानी अधूरा कम्युनिकेशन होगा इनकी लाइफ के अंदर। और व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पे तो बॉटम से भी हमारे पास एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करती है कि ये जो पर्सन है इनके आसपास सिर्फ परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें रहेंगी। ये गुस्सा इनके अंदर रहेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन गुस्सा निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि सामने वाला पर्सन इनके ऊपर और ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। ठीक है, तो उनको अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम ये फंसते चले जाएंगे। और ये प्रॉब्लम इन्होंने खुद सेलेक्ट की है, आपने तो नहीं की है ना। ठीक है, तो ये इनके कर्माज है व्यूअर्स, जो चारों तरफ से एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इनको अपने परिवार से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये जो मैंने बात करी ना, परिवार भी इनके अलग हो जाएंगे, ये कोई इनके इनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं होगा। वही सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टक हो जाना, फील करना कि कोई अपना नहीं है, प्रॉब्लम चारों तरफ से आ जाना, ऐसा फील करना कि सब आपसे दूर हो गए हैं, सब ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको कोई अपना नज़र नहीं आता, आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, अपने आप को हेल्पलेस समझते हो। तो वही सिचुएशन इस पर्सन की है, ये अपने आप को ऐसे ही समझेंगे, इनके अंदर ना तो वो शक्ति है कि इन मुसीबतों का सामना कर सके या इन बंधन को ब्रेक कर सके। ठीक है, ये डेविल एनर्जी को ये ब्रेक कर सके, इनमें इतनी भी ताकत नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहेंगे। बॉटम इसके नीचे देखो, अगेन हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड की है, ये हील होना चाहेंगे पर हील हो नहीं पाएंगे, एक ना एक मुसीबत इनके साथ में लगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये व्यूअर्स एक तरह से देखा जाए, जो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर फील होती है वो ये दिखाती है कि इनको बहुत ही, जो हम कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ, कि यार हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कितने भी एफ़र्ट्स लगा लें कुछ चीज़ें हमारे फेवर में आती ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा एफ़र्ट्स करते हैं बहुत अच्छी तरक्की मिल जाती है, लेकिन इनको क्या है इनकी लाइफ में कि तरक्की को पाने के बाद में खोएंगे। सोचो क्या हालत होती है, अगर आप एक ऊंचाई के शिखर पर पहुँच जाओ और वहाँ से गिरो तो हालत क्या होती है आप समझ सकते हो। क्योंकि देखो, जिसने लाइफ अगर बहुत ही लो लेवल में जी हो और वो इसी लेवल में जीता रहे तो उसको दर्द और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं एहसास होती है। ठीक है, लेकिन कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा समय देख के और फिर वापस से नीचे गिरे
तो उसको बहुत तकलीफ होती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो उन चीज़ों के लिए झटपटाता है, मचलता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। वो अपने आप को कोसता है, अपने कर्मा की दुहाई देता है, अपनी डेस्टिनी को कोसता है। तो बस इसकी लाइफ में वही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आपके साथ में जैसा इस पर्सन ने रिवर्स किया है, देखो वही मैं कह रही हूँ ना, अचीवमेंट करने के बाद में ये हालत है। देखो टेन ऑफ पेंटिकल एक तरह से क्या होता है, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जीना, बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, मूवीज देखना, थिएटर में जाना, घूमना फिरना, शानो शौकत, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीना, और फिर सडन धरातल पे नीचे आ जाना, फिर ऐसा फील करना कि सोने के लिए बिस्तर भी कम पड़ रहा है, ठीक है। मतलब सब चीज़ होके भी ख़त्म हो जानी चीज़ें वाली, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो इस पर्सन का विवर्स कर्मास तो बहुत, मतलब देखो हो सकता है आप कुछ अलग से एक्सपेक्ट कर रहे हों, लेकिन ये जो कर्मा है ना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही पेनफुल है कि जब आपके साथ में कोई नहीं हो और आप अपनी ज़िंदगी में अपनों को तलाश हो और आपके पास में कोई नज़र ना आए, वो सबसे बड़ा कर्मा होता है। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द कौन देता है, आपके अपने लोग, ठीक है। और इसके उसको उसके अपने लोग ही कर्मा देंगे, क्यों, क्योंकि डेविल एनर्जी में इन्होंने खुद कदम रखा है, कार्मिक कनेक्शन में इन्होंने खुद कदम रखा है। तो इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ वही देते हैं जो जिनको हम प्यार करते हैं। कहते हैं ना मोह माया इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द का कारण है। गीता में इन चीज़ों को समझाया गया है कि जिनसे आप मोह रखते हो ना, वही आपको तकलीफ़ देते हैं। अगर आपका मोह ख़त्म तो आपकी तकलीफ़ें ख़त्म। ये उन लोगों से इतना कनेक्टेड रहेगा या रहेगी, और वही लोग इसे तकलीफ़ पर तकलीफ़ देंगे। यानी कि हर वक्त इनके दिमाग में यही रहेगा कि मेरे ही लोग मेरे आज खिलाफ़ हैं और मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो इनके लिए व्यूअर्स इन्होंने आपको भी ठुकराया है और वही इनकी लाइफ में इनको पेन देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे इनके साथ में यही क्रिएट हो रही है, और जो पाया है वो भी इनके साथ में सब छिन जाएगा इनका। तो एक तरह से जैसे कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम आ गई है इनकी लाइफ में। तो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे रिश्तों की भी प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पे मिल रही है। वही मैं कह रही हूँ, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी इसीलिए आई थी और बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जीने की एनर्जी इसीलिए आई थी कि इनको ये लाइफ जीनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल सी लाइफ। मे बी जिस समय जितनी आप इस समय सिंपल सी लाइफ जी रहे हो ना, उससे भी कहीं ना कहीं 10 गुना नीचे जाएंगे ये। तो वैसी एनर्जी गाइज इनकी लाइफ में होगी। तो आप समझ सकते हैं इस पर्सन को धोखा देने की सज़ा, इस पर्सन को धोखा देने की सज़ा ही डिवाइन देंगे। तो धोखा देना, अगर किसी के कहते हैं ना, कोई किसी का पैसा ले जाता है, हड़प लेता है, धोखा हर तरह का होता है, पैसे का भी होता है, किसी के विश्वास का भी होता है, किसी के साथ में अन्याय करने का भी होता है। तो जैसा भी इस पर्सन ने धोखा दिया है व्यूअर्स, वैसा ही इसको फल मिल रहा है और ये इसके कर्माज हैं, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे ना तो भी इस पर्सन की मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्माज में कोई किसी की मदद कर ही नहीं सकता। कर्मा कभी किसी की मदद लेने ही नहीं देता, ना ही मदद मिलती है, ये सब चीज़ें खुद ही भोगनी पड़ती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, टावर, तो व्यूअर्स हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ ऐसे भी हो, ये पर्सन ऐसे भी डिसीजन ये लेंगे, मे बी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, मे बी कोई ऐसे ये काम करेंगे, किसी बिजनेस में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, किसी रिलेशनशिप में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर डिजास्टर ही मिलेगा। यानी कि जैसे होता है ना कि अगर इनके पास में बहुत सारा पैसा है, तो पैसा है अगर, तो वो कैसे जाएगा, वो इस तरह से जाएगा, गलत इन्वेस्टमेंट से, गलत डिसीजन से, गलत लोगों पे विश्वास करने से, गलत लोगों के साथ में बॉन्डिंग क्रिएट करने से, पार्टनरशिप करने से। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही इसके साथ में होगा और वही इसके साथ में ऐसा ही करेंगे कि ये जिस पे भी विश्वास करेंगे, ये उनके साथ में धोखा खाएंगे, दगा खाएंगे और अपने डिसीजन पे ये पर्सन पछताएंगे, इनको फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैसा इस तरह से इनका जाएगा, मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो वो किसी बिजनेस के थ्रू होगा या किसी पार्टनरशिप के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। तो आई थिंक व्यूअर्स आपको समझ में आया होगा कर्मा क्या होता है और कर्मा कैसे इन डिवाइन देते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए जस्ट कुछ कार्ड यहाँ पे लूँगी आपके लिए, ओके ओके व्यूअर्स। तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन यहाँ पे क्या मैसेजेस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दें, आप इन्हें बताएं आपके मैसेजेस क्या हैं। ओके, ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू समथिंग बेटर। आपकी लाइफ में व्यूअर्स सबसे पहले आपको आपका देख अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, आप कैद हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है,
ये नज़रिया आपको यहाँ पे बदलने के लिए बोला जा रहा है। और दूसरा, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देख रहे हो कितनी सारी बटरफ्लाईज़ है, बटरफ्लाईज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बटरफ्लाई पहले क्या होती है, एक वो अजीब सा कीड़ा सा है ना, और फिर वो कितनी सुंदर बन जाती है, कितनी अट्रैक्टिव, उसको देख के दिल खुश हो जाता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ ऐसी ही बनने वाली है कि चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, समथिंग इज़ बेटर, कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए व्यूवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन के लिए। सेल्फ लव करो, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। तो आप सबसे पहले अपने लिए, अपने प्यार, अपने खुद को प्यार करना सीखो। आप बुरे नहीं हो, आपके साथ में अगर अन्याय किया है, इसका मतलब ये नहीं है आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो गए। नहीं, आप बहुत ही खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती को अगर देख के, या फिर आपके स्टेटस को देख के, या फिर आपको किसी न किसी वजह से रिजेक्शन दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बुरे हो गए। वो उसका देखने का नज़रिया है, ये उसकी सोच है। आप किसी की सोच को नहीं काबू कर सकते, लेकिन आप खुद को देखने का नज़रिया अगर बदलोगे, तो कहते हैं ना, अगर हम अंदर से खुद ही अगर खूबसूरत महसूस कर रहे हैं, खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो हम दुनिया के सामने भी आग लगा सकते हैं। देखा होंगे ना, ब्लैक लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आप वो देखोगे नाइजीरिया वगैरह वाले या फिर साउथ अफ्रीका वाले, कितने ब्लैक होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट उनके अंदर देखा है। जब वो स्टेज पे आके बोलते हैं तो सब कोई उनकी बात सुनता है। तो बस ऐसे ही है, आपको अपनी ब्यूटी पे, या फिर अपने आप को ये नहीं फील करना मेरे पास ये है वो है, ये नहीं है ये वो नहीं है, ऐसा मत सोचो। सेल्फ लव करो, अपनी वर्थ बढ़ाओ और प्रूव करो कि आप क्या हो, ठीक है। द चूजन वन, एंजल नंबर 11144, ये वीवर से आप एक ऐसे इंसान हो जिसको चूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब आप अपने सोल पर्पस को पहचानो, आपका कोई सोल पर्पस है डिवाइन ने जो आपके लिए चुना है व्यूवर्स यहाँ पे, और जिसको आपको पूरा करना है। तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और आपको सेल्फ लव करने के लिए जो बोला जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, जो आपको अब टास्क दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ताकि आप उसे कॉन्फिडेंटली पूरा कर पाओ। उसको करने से आप घबराओ नहीं, स्पीक कर पाओ, बोल पाओ और उस काम को परफॉर्म कर पाओ, ठीक है, जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूजन वन हो आप, ऐसा इतनी आसानी से आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते, आपको करना ही होगा। तो करने के लिए आपको क्या करना है, अब डिवाइन के आप बहुत ज़्यादा करीब हो, ठीक है, आपने डिवाइन की इतनी प्रेयर की है, सब कुछ किया है, तो डिवाइन ने आपको सेलेक्ट कर लिया। और डिवाइन ने आपको सेलेक्ट किया है तो किसी काम के लिए ही किया होगा, ठीक है, तो वो काम आपको करना होगा। यहाँ पे उनका कार्मिक पार्टनर था आपका वो पर्सन, तो ये मत समझो वो आपका सोल पार्टनर था, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले आप पहचानो कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम आने वाला है व्यूवर्स, ठीक है, या अगर आपको कोई ऐसा पर्सन आपको मिला है तो रिकॉग्नाइज करो। मतलब उसको देख करके आपको फील होगा कि वो आपके दर्द को फील कर पाएगा। सबसे पहले ट्विन फ्लेम की एनर्जी गाइस जो मैं फील कर पाई हूँ वो ये कि ट्विन फ्लेम हमारे दर्द को बिन कहे फील कर लेता है, क्योंकि जो दर्द हमारे अंदर होता है ना, वही दर्द वो पर्सन को भी फील होता है, ठीक है। तो व्यूवर्स, अगर आपके साथ में व्यूवर्स, मैं एक बात बोलूँगी, आपको अभी तक अगर वो पार्टनर नहीं मिला है तो वो पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में व्यूवर्स इन चीज़ों पे मत फोकस करो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, आपसे दूर हो गया। आप अपने ट्विन फ्लेम का, एक ऐसे पार्टनर का वेट करो जो आपके दर्द को अपना दर्द समझे, जो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझे, जो आपके साथ में खुश होना अपना नसीब समझे, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर व्यूवर्स आपकी लाइफ में आने ही वाला है, और अगर आ गया है व्यूअर्स तो आप उससे जल्दी ही कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने बहुत ही तसल्ली से इस रीडिंग को करने की कोशिश की है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, वीडियो को शेयर करिएगा औरों के साथ में भी। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, या किसी के साथ में भी जिसको भी आप अपना समझते हो। और चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।